स्वागत है आप सभी का सच की आवाज न्यूज में। मैं हूं मंतुषा सरार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हेडलाइंस। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भिवंडी शहर में भंडारी के सोनी भाई कंपाउंड में लगा कचरे का ढेर, नगर पालिका और स्थानीय नगर सेवक के अनदेखा करने से नागरिक परेशान। भिवंडी के वार्ड नंबर 18 में खस्ता हालत होने से नवनीत फाउंडेशन के कार्यकर्ता हुए नाराज। टूटे हुए चैम्बर और खुली गटर के कारण लोगों के घरों में जा रहा है गंदा पानी। कंडी में पिछले 24 घंटों में सामने आए 104 नए कोरोना मामले, 26 मरीजों को मिला डिस्चार्ज। भिवंडी के राजीव गांधी ब्रिज की मरम्मत का काम हुआ शुरू, डिवाइडर की हालत भी होगी दुरुस्त। भिवंडी के जकात नाका से शांति नगर तक रोड की हालत खस्ता होने से नागरिक परेशान, धूल मिट्टी के कारण लोगों को हो रही है परेशानी। भिवंडी शहर में मेट्रो का काम तेजी से हुआ शुरू, धामनकर नाके तक पहुंचा काम, धामनकर नाका ब्रिज बहुत जल्द तोड़ा जाएगा। छत्तीसगढ़ में बीजापुर के जंगल में नक्सलियों के साथ मुठभेड़, 22 जवान शहीद, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। अभिनेता अक्षय कुमार हुए कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया होम क्वारंटीन, ट्वीट कर दी जानकारी। देश में 24 घंटों में आया 90,000 से ज्यादा नए कोरोना मामले, 514 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में भी लगातार बढ़ रहा कोरोना, 24 घंटों में आए 39,000 से ज्यादा मामले। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी प्रत्याशी पर हमला, 5 बीजेपी कार्यकर्ता हिरासत में। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में बीजेपी दफ्तर में लगाई गई आग, 1 कार्यकर्ता घायल, टीएमसी पर आरोप। यूपी के मुरादाबाद में घर में घुसकर बदमाशों ने महिला पर चाकू से किया हमला, जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के जयपुर में सुरंग बनाकर करोड़ों की चांदी चुराने वाला शख्स हुआ गिरफ्तार, महीनों बाद हुई गिरफ्तारी। महाराष्ट्र की एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ का बयान, कहा 1 से 8 के बच्चों को किया जाएगा प्रमोट, 9 से 11 के बच्चों के लिए जल्द किया जाएगा फैसला। बिहार में पति ने भी सड़क पर पत्नी को उतारा मौत के घाट, हत्या के बाद खुद थाने जाकर दी जानकारी। महाराष्ट्र में नागपुर के अस्पताल में लगी आग, 90 कोरोना मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के स्टाफ हुए कोरोना पॉजिटिव, बदल सकती है आईपीएल की जगह। एंटीलिया मामले में 7 अप्रैल तक बढ़ा दी गई सचिन वाजे की कस्टडी, एनआईए कर रही है पूछताछ। यूपी के आजमगढ़ में खेत में लगी भयंकर आग, गेहूं की फसल हुई जलकर खाक। आज की हमारी खबरें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।